नमस्कार दोस्तों दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉफ़ी मशीन्स के अंदर हमारे 10 एम्पियर के फ्यूज़ और 5 एम्पियर के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक रोकर स्विच होता है, वो भी 10 एम्पियर का होता है। दोस्तों जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको को इसके बारे में मालूम होता है कि ये इस रेटिंग के होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये उन्हें भी नहीं मालूम। आइए हाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरह हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम अप्लाई करके हम जो हमारी करंट की रेटिंग है उसको निकालेंगे। दोस्तों इसमें जो हमारा करंट इक्वल टू होता है पावर ओपन बी, जो करंट होता है वो हमारे एम्पियर में होता है, जो पावर होता है हमारा जो लोड्स होता है जो वाट्स होता है, और वी हमारी वोल्टेज होती है जो हमारी इनपुट वोल्टेज होती है। दोस्तों कॉफ़ी मशीन के अंदर अलग अलग वाटेज के एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, 1500 वाट, इसी तरह 2000 वाट, और फिर हमारे जो पीसीबी होते हैं जो कि डीसी मोटर चलती है उसके लिए हमें कम एम्पियर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, आपने जो भी निकालना है उसको साइड में कर लीजिएगा, अपना वो दूसरा फार्मूला अपना आप निकल जाएगा। सपोज करंट निकालना है तो करंट होगा हमारा आई इक्वल टू पी ओपन वी। तो चलिए दोस्तों चलिए हम उसका निकालते हैं, किससे निकालता है आपको पता ही है, जो करंट है वो हमारा इक्वल टू होता है पावर अपॉन वी। ठीक है दोस्तों, जो करंट है हमारा वो हमारा करंट एम्पियर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जो करंट इसको हम हमेशा मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। इसी तरह हमारा जो पावर है वो हमारा 2000 वाट इस समय जो लोड है, और जो वोल्टेज हमारी इस समय जो आ रही है 220 वोल्टेज होती है, तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे लगभग 9.09 एम्पियर हमारा करंट आएगा। लेकिन दोस्तों हम सेम इसी वैल्यू का जो फ्यूज़ है या रोकर स्विच नहीं करते, बल्कि हमें हमेशा इसके ज़्यादा ही करना चाहिए। तो इस समय हम इसके लिए 10 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, शब बखैर।